हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम पहुंच चुके हैं मेरठ, जो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। इसकी मान्यता है कि रावण के ससुर माया ने की थी इसकी स्थापना। इसे मेदांता का खेड़ा कहा था। एक अन्य मान्यता के अनुसार माया नामक एक वास्तुकार ने इसे राजा युधिष्ठिर से प्राप्त किया था। माया के नाम पर ही इसे मैराष्ट्र कहा गया था। मैराष्ट्र से इसका मेरठ बना था। मैं हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार असुरों का राजा था। उसकी पुत्री मंदोदरी रावण की पत्नी थी, जो कि रामायण महाकाव्य में राम के विरोधी के रूप में था। महाभारत काल में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर। यहीं दोस्तों यहाँ की बात करूँ अगली सुविधाओं की मेरठ की, तो अगली सुविधाएं हैं रैपिड रेल, जो भारत सरकार द्वारा रैपिड रेल की शुरुआत की गई है दिल्ली से मेरठ तक। 4 घंटे का सफ़र केवल 60 मिनट में पूरा हो जाएगा, ऐसा सरकार का दावा है। और NCR को जोड़ेगा ये पूरा तोहफा, जो 25 स्टेशनों पर रुकेगी। दिल्ली से चल के मेरठ तक आएगी और 25 स्टेशनों तक रुकेगी। सराय काले खां और मोदीपुरम के बीच चलेगी रैपिड रेल, वहाँ भी चलेगी। 10 लाख यात्री प्रतिदिन इसमें यात्राएं करेंगे। और इसमें सुविधाओं की बात करें तो हवाई जहाज जैसी सुविधाएं होंगी, 6 कोच होंगे। जो रैपिड रेल जो सामान्य कोच होंगे उन्हें स्टैंडर्ड क्लास नाम दिया गया है, वहीं जो बिजनेस क्लास के कोच होंगे उन्हें प्रीमियम क्लास नाम दिया गया है। बिजनेस क्लास में यात्रियों को खाने पीने की भी सुविधा मिलेगी। लोगों का ये मानना है कि रैपिड रेल मेट्रो जैसी ही होगी, लेकिन ये मायनों में मेट्रो से अलग होगी। रैपिड रेल गद्दीदार सीटें होंगी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, और इसके साथ ही सीटों के पास सामान रखने के लिए पर्याप्त स्थान भी दिया गया है। वैसे प्रीमियम क्लास स्टैंडर्ड क्लास की सुविधाओं में अंतर रहेगा। ट्रेन काफ़ी अच्छी है, सरकार द्वारा काफ़ी अच्छी खोज की गई है, अच्छी पहल भी की गई है NCRTC के थ्रू, और ज़्यादा जानकारी आपको देंगे। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर तक में ये स्टार्ट हो जाएगी, और इसके साथ 2025 तक ये 82 किलोमीटर लंबे अपने कॉरिडोर पर पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी। इस रेल की शुरुआत में 6 डिब्बे होंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था। चलिए देखते हैं पूरा व्यू।